जन महासमिति राजस्थान अचल का, जिन्होंने जिनके तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आयोजन करवाने वाले भी बहुत होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। संस्कृत में कहते हैं योजकस तत्र दुर्लभ। ऐसे इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके बहुत सुव्यवस्थित कार्यक्रम करने वाले मुख्य संयोजक आदरणीय भागचंद जी साहब हैं। मैं आज के इस अवसर पर मैं उनको भी अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं, और भी इस समिति महासमिति के जितने भी सम्माननीय सदस्य हैं, उत्तम कुमार जी पांड्या साहब, महावीर जी बाकलीवाल साहब, सुरेश जी साहब और सतीश जी, अशोक जी साहब, है ना, उन सबको, कैलाश जी, पवन जी, रवि जी और अभी कार्यक्रम के प्रभारी शुद्धात्मा श्रीयुत शुद्धात्मा जी जैन, आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूं कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया। आइए मंगलाचरण के माध्यम से अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं और समझते हैं सामायिक क्यों और कैसे। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमंगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि पंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। कहानी का प्रारंभ एक छोटी सी घटना से करता हूं। एक अम्मा जी बहुत बुजुर्ग थी और मंदिर जी के गेट पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ी हो जाती है। वहां से गुजरने वाले कई लोग देखते हैं और यथोचित उनको दान भी देते हैं, लेकिन एक बार वहां से कोई विद्वान गुजरते हैं, मंदिर से बाहर निकल करके आते हैं और देखते हैं माँ जी से कि अरे माँ जी, आपके पास तो बहुत व्यवस्थित समृद्धि थी, सब कुछ अच्छा था, फिर ये अचानक भिक्षा मांगने की स्थिति क्यों आई? तो कहती है कि अरे मेरे पति का देहावसान हो गया और बेटा भी विदेश चला गया, ऐसी स्थिति में मेरे पास थोड़ा बहुत जितना पैसा था उतने दिन तक तो मैंने अपना घर चलाया, अब उसके बाद मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अब अपना खुद का पालन पोषण कर सकूं, इसलिए भिक्षा मांगने के लिए मैं मंदिर तक पहुंची हूं। तब उसने, विद्वान था, पंडित जी थे, बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपने अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? तो उन्होंने कहा मैंने बाहर विदेश भेजा है। तो कुछ वहां से पैसे नहीं भेजता है क्या? उसने कहा नहीं भेजता, पैसे तो नहीं भेजता, बस कुछ एक गुलाबी सा कलर का कोई पत्ता आ जाता है, बस समझ में नहीं आता कि वो क्या है। तब फिर उन्होंने देखा पंडित जी ने कि चलो मैं आपके घर चलता हूं, देखता हूं क्या बात है। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखा कि हर महीने उनका बेटा 50-50 हजार रुपए के डीडी भेज रहा था वहां से, है ना, वो 50-50 हजार रुपए के डीडी भेज रहा था। और जब उसने देखा कि ओहो, आपके पास तो 50-50 हजार रुपए के डीडी पड़े हुए कई महीनों से, सब काउंटिंग किया तो 32 के आसपास उसके पास डीडी पड़े हुए थे, तब उसने कहा क्यों हो। तो फिर विद्वान ने समझाया कि देखो, आपके पास खुद के पास इतनी संपत्ति है, आपको बाहर मांगने की कोई आवश्यकता
नहीं है। लगभग मानो भाव ऐसी तरह की स्थिति हम सबकी है। हम सबके पास भी वो गुलाबी कलर के डीडी पड़े हुए हैं, सबके पास है, लेकिन फिर भी हम याचना करते हैं, फिर भी हम मांगते हैं कि साहब शायद वहां जाने पर मुझे कुछ आत्मिक शांति मिलेगी, मैं वहां की लाइफस्टाइल, वहां कुछ सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, तो मैं वहां जाता हूं शायद मुझे कुछ मिलेगा। नहीं मानो भाव, हमारा जैन धर्म, हमारी जिनवाणी माँ इतनी अपने आप में सशक्त है, इतनी अपने आप में समृद्ध है कि इनके पास सब कुछ है, बस आवश्यकता है पहचानने की और जानने की। और इस पहचान को कराने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण साधन वर्तमान समय में है वो है ये धार्मिक शिक्षण शिविर, जो आदरणीय भागचंद जी साहब पूरे आप सबको लेकर के और बहुत सुव्यवस्थित रूप से आयोजित कर रहे हैं। ये इस तरह के शिविर, इन शिविरों के माध्यम से, प्रवचन सभाओं के माध्यम से, मुनिराजों के मुखारविंद से, हम इस तरह की अपनी संपत्ति को पहचान करके और फिर हम अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। महानुभाव, आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर के चर्चा करने जा रहा हूं वो एक बहुत आम विषय है। चाहे अष्टमी चतुर्दशी हो, हमें सामायिक याद आती है, पर्युषण पर्व हो, हमें सामायिक करने का भान आता है, कई लोग तो रोज सामायिक भी करते हैं जो कि एक अच्छी बात होती है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका, एक व्यवस्थित मतलब उसका करने का प्रोसेस जो है वो सबको स्पष्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हम थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं या फिर जितना पुण्यार्जन हमको उस समय से करना चाहिए वो अपने को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए आज बिना किसी विलंब के मैं आपको लेके चलता हूं कि सामायिक क्यों और कैसे करें। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करूंगा भक्त जी साहब और एक एक स्टेप यहाँ पर बताना चाहूंगा। मैं महानुभावों से ये निवेदन करता हूं कि आप अगर कैमरा ऑन करें ऑफ करें कोई ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं खुद ही इसमें सीधा पीपीटी प्रस्तुत करूंगा। पर हाँ, मैं भागचंद जी साहब से एक निवेदन जरूर करूंगा कि लास्ट में 5-7 प्रश्न जरूर पूछूंगा हमारे अपने श्रोताओं से, आज से संबंधित मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं उसमें कितनी बात आप लोगों को समझ में आई है, आपने कितनी बात ध्यान दी है, इस बात को जानने के लिए मैं 2-4 प्रश्न, 5 प्रश्न अंतिम में करना चाहूंगा, आपकी अनुमति रहेगी तो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छा एक विषय है, बहुत अच्छे समझने की एक उपाय है। तो आज हम सब, छोटे बच्चे हों तो भी सुने, 8 साल से लेकर के 80 साल तक के जो भी महानुभाव है इस विषय को सुने, और लगभग 50+ है उनको तो जरूर सुनना है, क्योंकि उनको तो जरूर करना है अपने जीवन में। इसलिए तो आइए बिना किसी विलंब के मैं प्रारंभ करता हूं आज की इस विधि को पीपीटी के माध्यम से। स्पष्ट दिखाई दे रहा है भागचंद जी साहब? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया जी। जी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी सर, बिल्कुल, अब ठीक है। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट जी। आज का विषय है सामायिक क्यों एवं कैसे करें। हम सामायिक क्यों करें और कैसे करें, ठीक है। एक एक बिंदु को अच्छे से समझने की कोशिश करें, और कुछ अगर आपके प्रश्नोत्तर हैं तो अंतिम में उसका भी समाधान करेंगे, नहीं तो फिर मैं तो आपसे पूछूंगा ही लास्ट में। सबसे पहले यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि सामायिक क्या होती है ना, सामायिक किसे कहते हैं, इस बात को हम यहां पर समझते हैं कि आखिर सामायिक क्या। समता भाव रूप आत्म परिणति को सामायिक कहते हैं, है ना। सामायिक का मतलब यह होता है कि बड़ा समत्वम सामायिकम। बहुत सारे संस्कृत के शास्त्रों में, प्राकृत की भाषा में बहुत सारे बड़ी बड़ी परिभाषाएं सामायिक की, मैं उन सब को यहां पर ना लेकर के बहुत सरल सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। जैसे समता रूप आत्म परिणति को सामायिक कहते हैं, ऐसी समता हर्ष विषाद में भी समता, शत्रु और मित्र में भी समता, राग और द्वेष रूप में भी समता, अच्छे बुरे में भी समता, इस तरह से इन तमाम परिस्थितियों में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उन सब में आत्मा की वो परिणति जहां पर बड़ी समता हो उसे हम सामायिक कहते हैं। एक बात, दूसरा,
आत्मिक गुणों के चिंतन रूप आत्म परिणति को समय कहते हैं। अर्थात जब हमारी आत्मा की परिणति, जब हम आत्मा के गुणों का चिंतन कर रहे हुए होते हैं, यानी कि मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, इस तरह का जब यह जीव चिंतन करता है, विचार करता है, तो उस चिंतन और विचार को, आत्मिक गुणों के चिंतन को भी हम सामायिक कहते हैं। तीसरी आती है जिन शास्त्र के चिंतन रूप आत्म परिणति। न केवल हम आत्मा के बारे में बल्कि शास्त्रों में क्या बातें लिखी हुई है, उस रूप अनुप्रेक्षा स्वाध्याय रूप जो हमारा चिंतन है, उस चिंतन अर्थात शास्त्रों के बारे में जो हम चिंतन करते हैं, उस चिंतन रूप अगर हमारी आत्मा की परिणति होती है तो उसको भी हम सामायिक कहते हैं। और एक निश्चित समय पर की जाने वाली आत्म विशुद्धि की प्रक्रिया है, है ना, एक निश्चित समय बांधा होता है इसका कि हम इस समय सामायिक करें, तो निश्चित समय पर की जाने वाली आत्मा की विशुद्धि से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसको हम सामायिक कहते हैं। महानुभाव, सामायिक शब्द समय से बना है और समय शब्द के शास्त्रों में कई कई अर्थ लिखे हैं, है ना, तो उसी अर्थों के, उन्हीं अर्थों के आधार पर ये अर्थ मैंने किए हैं। समय का अर्थ समता भी है, समय का अर्थ आत्मा भी है, समय का अर्थ शास्त्र भी है, समय का अर्थ टाइम भी है। उस आधार पर ये तीन चार परिभाषाएं एक सामान्य सी सरल सी बिना किसी संस्कृत के प्राकृत के हिंदी में आपको बताएं। अब इसी में क्या क्या दूर होता है, राग द्वेष को कम करने का अभ्यास होता है समय पर। दिन भर की परिणति में हम उलझे रहते हैं, है ना, 24 घंटे में हम लगभग 20 घंटे हमारा भाव जो है वो संसार के भावों में उलझा रहता है, तो इसलिए उन भावों को कम करने के लिए जो थोड़ी देर बैठ करके हम ये समता रूप या आत्मिक गुणों के चिंतन रूप अथवा शास्त्र के चिंतन रूप जो हमारी आत्मा की परिणति होती है उसे हम सामायिक कहते हैं। इसमें राग द्वेष आदि भाव भी कम करने का अभ्यास करते हैं। सभी प्रकार के पाप कषायों से दूर होना, जब यह जीव सामायिक करता है तो निश्चित रूप से और अन्य अन्य स्थानों से उसकी परिणति जो है वो दूर होती है और बड़े मतलब बहुत आत्महित के रूप में वह प्रयुक्त तो होता है, लगता है ऐसी यह सभी प्रकार के पाप, पांचों प्रकार के पाप, चारों प्रकार की कषायें, इन सब से दूर होकर के यह जीव सामायिक करता है, ऐसी यह सामायिक होती है। संसार की असारता का चिंतन करने का नाम सामायिक है, है ना, संसार की असारता हम सब जानते हैं और शास्त्रों के माध्यम से हमको पता भी चलता है कि संसार के जितने भी रिश्ते नाते, है ना, बंधु वर्ग आदि जितने भी हैं, ये सब असार है और इसका चिंतन करने का नाम ही सामायिक है। इस तरह से सामायिक क्या है इस बात को हमने एक मोटे मोटे रूप में 5-7 बिंदुओं के माध्यम से समझा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर सामायिक क्यों करना चाहिए, हम क्यों करें सामायिक, है ना। जैसे आप लोगों ने पिछले वक्ताओं के सुने होंगे व्याख्यान, उनके व्याख्यानों में आपने सुना होगा कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। हम सब भी सुख चाहते हैं और दुखों से डरते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ऐसा कहता है कि साहब मैं दुख चाहता हूं, नहीं, कोई भी नहीं, संसार में सब व्यक्ति सुख चाहते हैं। अब यह बात यह है कि वो सुख आएगा कैसे, सुख की प्राप्ति होती कैसे है, तो सुख की प्राप्ति पुण्य से होती है और पुण्य जब सत्ता में हो तब पुण्य कर्म के उदय से हम क्या बोलते हैं सुखी हो सकते हैं। तो वो पुण्यार्जन करने का यह एक उपाय है सामायिक। सामायिक क्या है, असीम पुण्य, अभी देखेंगे आप बिंदु उसमें भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला बिंदु मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि सामायिक क्यों करना चाहिए। मैं अभी आपको बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा कि सामायिक करने से स्वर्गाधिक सुख या मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर हां मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि अगर मैं 1 घंटा सामायिक करता हूं,
एक घंटे बैठ करके यदि समाहित करता हूं तो मेरे 23 घंटे की जो ऊर्जा है वो मुझे प्राप्त होती है इस सामायिक प्रतिक्रमण और ध्यान से। तो इसलिए राग द्वेष कम होने से शांति प्राप्त होती है, स्वर्ग सुख परंपरा से प्राप्त होगा, बाद में प्राप्त होगा, मोक्ष सुख भी आगे प्राप्त होगा, लेकिन तत्काल यदि कोई सुख और असीम शांति की प्राप्ति होती है तो वो मुझे सामायिक से होती है। इसलिए मुझे सामायिक करना अच्छा लगता है, इसलिए हमें सामायिक करनी चाहिए। एक बात। दूसरा, अतिशय पुण्य का बंध होता है सामायिक। देखिए, हमारे श्रावकों के जो आवश्यक कर्तव्य हैं, उन आवश्यक कर्तव्यों से उसके बाद उस और भी जितने भी कर, जैसे देव पूजा, गुरु उपास्थी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि, सामायिक जो है वो संयम के अंदर आता है, है ना। संयम के अंदर जिसमें जैसे अभी भागचंद जी साहब बता रहे थे कि सामायिक जो है वो हमारे षट आवश्यक कर्मों में ही है। संयम जिसमें इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करके जब वो बैठता है तो वो सामायिक के रूप परिणत होकर के बैठता है। तो इस तरह की क्रियाएं करने से, षट आवश्यक रूप क्रियाएं करने से यह जीव अतिशय पुण्य का बंध करता है, असीम पुण्य का बंध करता है। लेकिन इसके साथ वो अगर विधि को जाने व्यवस्थित रूप से और बहुत सही तरीके से करता है तो बहुत ही अतिशय पुण्य को प्राप्त करता है। तो इसलिए एक ये भी कारण है, इसलिए भी हम सामायिक करते हैं। तीसरा, इससे हमें आत्मिक गुणों का विकास होता है। एक बात तो जरूर है कि यदि हमें अपने आप को पहचानना है तो दिन में एक दो बार तो हमें इस पर नजर रखनी ही पड़ेगी। हम समझें मैं कौन हूं और मेरा शरीर कौन है, है ना। इस बात को हमें समझना है। एक बार एक गुरुजी थे, जब वो आश्रम में पढ़ाते थे बच्चों को, तो हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटा आज का पाठ समाप्त हुआ, बस एक शिक्षा मैं हमेशा आपको देता हूं, आज भी देता हूं, पानी में जाना पर गीले मत होना। बच्चे सब जितने भी शिष्य थे वो बड़े आश्चर्य करते थे कि गुरुजी क्या कहते हैं, पानी में जाए व्यक्ति और गीला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन हुआ, दो दिन हुए, 10 दिन, महीना भर, रोज रोज जैसे स्वाध्याय खत्म होता गुरुजी बोलते ध्यान रखना बेटा बस पानी में जाना पर गीले मत होना। एक दिन गुरुजी ने कहा कि चलो आज की अपनी जो स्वाध्याय की कक्षा है वो आज खुले मौसम में जंगल में लगेगी, अपन वन को चलते हैं, वहां बैठ करके अपन स्वाध्याय करेंगे। सब लोग वहां चले गए, आराम से बिल्कुल एक पेड़ के नीचे बैठे और बहुत गुरुकुल पद्धति से बैठ करके पढ़ने लगे। पर अचानक क्या हुआ कि गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके बादल आ गए एकदम, और बच्चों को लगा कि अरे आज तो बारिश होने वाली है। तब कुछ बच्चों ने सोचा हाँ आज गुरुजी को पकड़ने का सही समय है, आज बादल होगा, पानी भी बरसेगा, गुरुजी गीले भी होंगे, फिर देखते हैं गुरुजी गीले होते हैं या नहीं। हुआ यही, थोड़ी देर बाद बहुत जबरदस्त पानी भी बरसा और गुरुजी गीले भी हो गए। तब फिर भी गुरुजी कहते हैं कि आज का स्वाध्याय हम यही समाप्त करते हैं बस, परंतु आज वो कुछ बोले नहीं। तब शिष्यों ने कहा गुरुजी आज बात समझ में आई, क्या बात है आज बोल रहे हैं कुछ भी नहीं बोल रहे। तब उन्होंने कहा मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा बच्चा कि पानी में जाना लेकिन गीले मत होना। क्या बात, बच्चों का दिमाग खनक गया। उन्होंने कहा क्या कहते हैं गुरुजी, पूरे तर बतर हो रहे हैं, आप गीले हो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि पानी में जाना लेकिन गीले मत होना, ये कैसे हो सकता, आप गीले तो हैं। तब गुरुजी कहते हैं धीरे से कि बेटा मैं गीला नहीं हुआ हूं, मेरा शरीर गीला हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये जो स्थिति है कि मैं गीला नहीं हूं, मेरा शरीर गीला हुआ है। मुझे बुखार नहीं आया है, मेरे शरीर को बुखार आया है। मुझे काटा नहीं लगा है, मेरे पैर को काटा लगा है। मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे शरीर को भूख लगी है। इस तरह की जो स्थिति बनती है ये तभी बनेगी जब हम रोज आत्मिक गुणों का चिंतन करेंगे कि मैं ऐसा हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है, इस तरह का विचार करने से। और ये काम केवल सामायिक में बहुत अच्छी तरह से अनुभूत होकर के होती है महानुभाव। इसलिए आत्मिक गुणों का चिंतन करने के लिए भी सामायिक जरूर करना चाहिए।
इतने समय तक एक बहुत बड़ी बात मुझे शास्त्र में मिली कि जब श्रावक समय की स्थिति में होता है और सभी तरह के आरंभ परिग्रहों से छूट जाता है, संकल्पित होकर के बैठता है, तब वह श्रावक उतने समय के लिए मुनिराज के समान हो जाता है। कितनी बड़ी बात, अर्थात जिस तरह से मुनिराज नहीं बन जाता, मुनिराज जैसी उसकी स्थिति हो जाती है, अर्थात वो अतिशय पुण्य के बंध वाली स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूं वो अवस्था बनती है। इसका मतलब यह है कि वाकई उस समय हमारी परिणति बहुत उत्कृष्ट होती है। उदाहरण के रूप में आपने सुना होगा सुदर्शन सेठ का नाम। सुदर्शन सेठ हम और आप जैसे श्रावक ही तो थे, क्या थे, लेकिन फिर भी सामायिक किया करते थे। प्रतिदिन सामायिक करने का उनका नियम था, रोज सामायिक करते थे और ऐसे सामायिक करते थे कि इतने लीन हो जाते थे कि क्या हो रहा है आजू बाजू में कुछ भी पता नहीं। रानी के कहने पर उठा करके लग गए तब भी उनको पता नहीं चला, सामायिक टूटी तो पता चला। एक सेठ ने सामायिक करने बैठते हैं, जब तक दिया जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। इस तरह के कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि हम सब श्रावक भी सामायिक को किया करते हैं और करना चाहिए। इस समय हमारी स्थिति एकदम मुनिराजों जैसी हो जाती है, यद्यपि हम वस्त्रों से युक्त होते हैं किंतु त्यागी हो जाते हैं, तो हमारी स्थिति वैसी बनती है। सहन करने की शक्ति बढ़ती है, जी हाँ, सहन करने की शक्ति बढ़ती है। हर थोड़ी सी प्रतिकूलता में हम घबरा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं कि अरे अरे ये कैसे होगा। थोड़ा सा पैर में दर्द होता है कि हम पालतियां बदलने लग जाते हैं, थोड़ा सा एक हल्का सा मच्छर काटता है तो हमारा हाथ तुरंत वहां लगने लग जाता है। तो सामायिक में ये सब होता नहीं है, इसलिए सहन करने की क्षमता हमें सामायिक से उत्पन्न होती है ना। और सबसे बड़ा कारण जो मैं इस सामायिक करने का समझता हूं और जिसके लिए मैं सामायिक करता हूं वो ये है कि यदि आज हम सामान्य श्रावक होते हुए यदि सामायिक करने का अभ्यास डालते हैं तो व्रती बनने के बाद ये अभ्यास और अच्छा हो जाएगा, या व्रती बनने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। और अंततो गत्वा चूंकि हमें तो समाधि मरण करना है तो समाधि मरण भी वही कर पाएगा जो प्रतिदिन कम से कम एक घंटा आत्मचिंतन सामायिक आदि करता है, उस व्यक्ति के लिए ये बहुत अनुकूल और बहुत अच्छी चीज है। इसलिए व्रती बनना हो या समाधि मरण करना हो उसके लिए, क्योंकि मैं पूरा जीवन ऐसे तो जीऊंगा नहीं, है ना, कि सामान्य ग्रस्त जीवन में इतना मनुष्य भव मिला अपने को, इतनी कठिनाई से मिला है, तो जीवन में एक प्रार्थना, जीवन में एक लक्ष्य तो रहेगा ही कि मैं कम से कम अनुव्रतों को तो अपने जीवन में स्वीकार करूं। भावना भी यही करता हूं रोज के, प्रभु बस हाथ में पिछी लेकर के मेरा मरण हो, तो ऐसी सब भावना करता हूं और जीवन में कुछ ना करूं तो अच्छा नहीं है ना। तो उसके लिए सामायिक एक ऐसी चीज है जो हमें श्रवण बनने के लिए, सामायिक ऐसा वो रास्ता है जो हमें सीधा मोक्ष मार्ग से जुड़ता है। इसलिए व्रति अथवा समाधि मरण करने के लिए ये सामायिक बहुत आवश्यक है, इसलिए हमको सामायिक करना चाहिए। और अंतिम और बहुत प्रभावी जो कारण है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसका प्रभाव मैंने अपने घर में भी देखा है, वह है बच्चों में संस्कार आते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, यदि हम सामायिक करते हैं तो बच्चों में संस्कार आते हैं। यदि हम टीवी देखते हैं साथ सब मिलकर के तो बच्चों में टीवी देखने के संस्कार आते हैं। यदि हम सब एक साथ बैठ करके ताश पत्ती खेलते हैं तो ताश पत्ती खेलने के संस्कार बच्चों में आते हैं। यदि हम एक साथ बैठ करके इधर उधर की बातें करते हैं तो बच्चों में उस तरह के संस्कार आते हैं, धीरे धीरे बच्चे वैसे बनते हैं। और यदि पूरा परिवार एक साथ, दादा दादी पोता पोती सब एक साथ बैठ करके, चलो सामायिक का टाइम हो गया है, बैठते हैं, ओहो कितना अच्छा होगा वो घर, कितना अच्छा होगा वो परिवार, जिस परिवार में स्वाध्याय सामायिक एक साथ बैठ करके करते होंगे। आपके इस शिक्षण शिविर में मुझे आपके कुछ परिवार तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पर पूरा परिवार बैठता है एक साथ, है ना, और बैठना भी चाहिए। ऐसे समय में, ऐसी स्थितियों में जरूर बैठना चाहिए। और ये सामायिक भी ऐसा कार्य है, मैं अपने परिवार की बात बताता हूँ, जब मैं हम लोग बैठते हैं तो दोनों बच्चे भी एक साथ बैठते हैं और बहुत अच्छी तरह से सामायिक करते हैं। तो ये एक संस्कार जो है बच्चों का वो बचपन से ही डाला जाता है, इसलिए ये सामायिक अवश्य करना चाहिए। ये कुछ बिंदु थे, इस कारण से हमें सामायिक रोज करना चाहिए, ये बात एक हमारी यहाँ पर स्पष्ट होती। अब दूसरी बात, सामायिक करने की शास्त्रों में विधि किस किस के लिए और कितनी बार करने की बात बताइए। देखते हैं सामायिक किनको कितनी बार करना चाहिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले
मुनिराजों के लिए सबसे पहले बात आई है। जब हम मुनिराजों के, आप सबको पता होगा साधु परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं, 28 मूल गुण। 28 मूल गुण में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय और 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। उसमें जो 6 आवश्यक होते हैं उसमें पंडित दौलत राम जी बताते हैं, समता समारे स्तुति उचारे वंदना जिन देव की, है ना। इस तरह का एक बहुत सुंदर पद्य है, छठवीं ढाल में पंडित दौलत राम जी बता रहे, समता समहारे, बस यही। अर्थात मुनिराज जो हैं वे छठ आवश्यक जो उनके होते हैं उसमें समता, समत्व परिणाम रूप जो है सामायिक, वो तो उनके जीवन का अंग बन जाता है, उनका तो पूरा जीवन ही सामायिक होता है। लेकिन फिर भी मूलाचार आदि ग्रंथों में उनके लिए भी दिन में 3 बार सामायिक करने की विधि बताई गई है, 3 बार मुनिराज आदि भी करते हैं। तीसरी प्रतिमाधारी, कुल 11 प्रतिमाएं होती हैं, है ना, श्रावकों की। उसमें से जो तीसरी प्रतिमाधारी होते हैं, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा और तीसरी सामायिक प्रतिमा। जो सामायिक प्रतिमाधारी होते हैं वहां से लेकर के, है ना, मुनिराज बनने तक के सफर में 3 बार सामायिक करने का विधान आता है। और जो दूसरी प्रतिमाधारी होते हैं व्रती श्रावक, जहां से कहना प्रारंभ हो जाता है, उनके लिए दिन में 2 बार सामायिक करने का विधान आता है कि सब दिन में 2 बार सामायिक करनी चाहिए। और हम सब जो सामान्य श्रावक हैं, जो अभी प्रतिमाएं नहीं लिए हैं लेकिन षट आवश्यकों का पालन हम जरूर करते हैं, ऐसे हम सब महानुभावों के लिए कम से कम दिन में 1 बार तो सामायिक जरूर करना चाहिए, ये बात यहाँ बताई जाती है। और अब ये बात तो क्लियर हो गई कि साहब हमें, हम सब, हमारी अपनी बात है तो हमें कम से कम दिन में 1 बार तो सामायिक करनी ही चाहिए, क्यों करनी चाहिए ये बात भी हमने समझ ली। अब ये समझते हैं कि कब करना चाहिए, सामायिक का समय क्या है, क्या रात को 3 बजे उठ करके करना चालू कर दें, 4 बजे कर लें, या फिर दिन में कब करना चाहिए, कोई समय है क्या? जी हाँ, शास्त्रों में कहते हैं संधि काल में सामायिक करना चाहिए। संधि काल का मतलब क्या, सूर्योदय से पहले जो एक भोर होती है अंधेरे से उजाले की ओर जब आते हैं, है ना, या सूर्योदय होता है वो संधि काल होता है, दोपहर का जो 12 बजे का समय होता है वो संधि काल होता है, रात्रि का शाम का सूर्यास्त का जो समय होता है वो संधि काल होता है। तो सुबह सूर्योदय से पहले, दोपहर में 12 बजे या शाम को संधि काल, संध्या काल के समय सामायिक कर सकते हैं। व्रतियों को कम से कम 48 मिनट और अधिक से अधिक, है ना, 2.5 घंटे लगभग समय करने का विधान है। यदि हमने व्रती बन गए, हम व्रती हो गए हैं, तो कहा कि कम से कम 2 घड़ी समय करनी चाहिए, 2 घड़ी तो बैठो ऐसा कहते हैं, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 2 घड़ी सामायिक करने की बात बताई जाती है। और यदि अधिक से अधिक करना है तो कम से कम 2-2.5 घंटे बैठ करके भी सामायिक कर सकते हैं, ऐसा विधान व्रतियों के लिए कहा जाता है। जब 2 घड़ी कहा जाता है तो उसके लिए बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 6 बजने से 24 मिनट पहले 1 घड़ी, 6 बजकर के 24 मिनट तक दूसरी घड़ी। तो इस तरह से ये जो समय है ऐसे सामायिक करना चाहिए, अर्थात 1 घड़ी संधि से पहले 1 घड़ी संधि के बाद, ये एक बिल्कुल सही समय होता है सामायिक करने का। थोड़ा बहुत हम आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि कलकत्ता में सूर्योदय होने का समय अलग होता है, मुंबई में सूर्योदय होने का समय अलग होता है, मुंबई में सूर्यास्त होने का समय अलग होता है, या कश्मीर में सूर्यास्त होने का समय अलग होता है और केरला में सूर्यास्त का। इसलिए पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए हम मोटे मोटे रूप में समय में अपना बांध करके भी सामायिक आदि कर सकते हैं। तो हमें सामायिक कब करना चाहिए फिर फाइनली, तो यहां पर मैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, जो व्रती नहीं है हम लोग तो वे संधि काल में करें, हमें संधि काल में ही करना चाहिए और अपने समय के अनुकूल कर लेना चाहिए। कहने का मतलब सबसे उत्तम समय तो सुबह का होता है, सुबह 6 बजे, है ना, सुबह 6, 6:15, 6:30 तब हमें सामायिक, 7 बजे तक सामायिक आदि करना चाहिए, बहुत सही समय होता है। अगर सुबह नहीं तो फिर शाम को,
ये दोनों समय बहुत अच्छे हैं, दिन में एक बार करना है सामयिक, तो इन दोनों में से किसी एक समय पर हमें सामयिक जरूर करना चाहिए। सामयिक कहाँ करनी चाहिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्यों कहीं पर भी मन लगे, जहां पर भी इच्छा हो वहां बैठ जाए, नहीं साहब। इसके लिए बताया जाता है या तो हम मंदिर में बैठ करके सामयिक करें सर्वोत्तम है ना, और यदि किसी सिद्ध क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र पर बैठ करके कर रहे हैं वो तो उत्तमोत्तम है, उसकी तो बात ही नहीं, उसका तो आनंद अलग है। लेकिन रोज संभव नहीं है, और विशेष करके इस लॉकडाउन में तो संभव ही नहीं है कि हम कहीं बाहर निकल करके जाएं, है ना। मंदिर में संत भवन हो कहीं आसपास आपका, वन उद्यान हो या किसी ऊंचे स्थान पर जाकर के सामयिक करते हैं तो मन बहुत लगता है। मैं आप सबसे कहता हूं जब भी किसी तीर्थ वंदना के लिए जाएं, किसी भी अतिशय क्षेत्र पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र पर जाएं, बैठ करके एक घंटा सामयिक जरूर करें, वही उस स्थान का सर्वोत्तम सदुपयोग है ना। वहां जाकर के पिकनिक करना ये सेकेंडरी होनी चाहिए या ना हो, वहां जाकर के खेल कूद करना, वहां जाकर के अंत्याक्षरी करना, ये सब उन क्षेत्रों का दुरुपयोग है। लेकिन वहां जाकर के जाप करना, वहां जाकर के सामायिक करना, ये उन स्थानों का सबसे सदुपयोग होता है। तो वहां जहां पर भी जाएं, हम ऐसे स्थान पर जाएं, किसी उद्यान में जाएं या वन में जाएं, वर्तमान में यहां सब जगह जाना भी संभव नहीं है, तो हम अपने घर में करें, है ना। जरूरी नहीं रोज हम बाहर जा कर पाए, तो हम अपने घर में करें, पर वहां करें जहां पर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बच्चों की आवाज चिल्लाने की ना हो, है ना, पड़ोसियों की आवाज नहीं हो, सड़क के आसपास की स्थिति ना हो, है ना, या फिर जहां बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी आपको ना लग रही हो, आसपास भोजन बन नहीं रहा हो, अन्यथा बाजू वाला शाम को खाना बना रहा हो, हलवा बना रहा हो और उसकी सुगंध खुशबू आपके अंदर आ रही हो, क्या सामयिक में मन लगेगा। किसी ने बाजू में प्याज लहसुन का छोक लगा दिया और उसकी बदबू या खुशबू जो भी समझो वो आ रही हो, तो फिर भला कैसे सामयिक में मन लगेगा। इसलिए आसपास कोई भोजन ना बन रहा हो, ऐसा एकदम एकांत शांत स्थान जहां किसी भी प्रकार के मक्खी मच्छर भी ना हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके हमको सामयिक करनी चाहिए। और अगर कुछ आ भी जाए, है ना, मान लीजिए कोई मक्खी मच्छर ऐसा आ भी जाता है, तो सामयिक में हमें सहन करना है, क्योंकि सामयिक में एकाग्रता होगी, अभी हम देखेंगे, मन की, वचन की, काय की, सब एकाग्रता करके बैठना होता है, उसे सामयिक कहते हैं। कहते हैं जब बैठते हैं तो बिल्कुल भगवान की तरह बैठते हैं, किसी भी तरह का हिलते डुलते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें थोड़ा बहुत अगर प्रतिकूलता भी आ जाए तो हमें सहन करने की क्षमता वहां पर होनी चाहिए। अब हम समझते हैं सामयिक करने से पूर्व की तैयारी क्या क्या करनी है। हम अभी सीखने जा रहे हैं सामयिक कैसे करें, ये सब पूरा प्रोसेस उसी का चल रहा है। अब उसके पहले हमें क्या क्या तैयारी करके रखनी चाहिए वो भी बात हमको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। हम सामयिक सब लोग करें, लेकिन अब इसके साथ साथ हमने यहां तक पहुंच गए, हमने अपना रूम भी देख लिया, किस रूम में बैठ करके शांति से सामयिक करनी है, ये स्थान भी देख लिया। अब हमें क्या करना है सामयिक के लिए और क्या तैयारी चाहिए, तो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड करें कि हमारी कौन सी दिशा में मुंह है, है ना। प्रायः कोशिश करें कि हम पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके सामयिक करें। जब मंदिर में बैठ रहे हो तो दिशा का कोई विशेष समस्या नहीं, भगवान के सामने बैठना वही सर्वोत्तम दिशा होती है। लेकिन यदि हम मंदिर में नहीं है और घर में है, सुबह सुबह कर रहे हैं सामयिक, घर में बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि हम पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके सामयिक करें। क्यों साहब पूर्व दिशा की तरफ क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा ऊर्जा का केंद्र है, है ना। पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, सूर्य उदित होने के साथ अब प्रतिम ऊर्जा लेकर के आता है, वहां से बहुत सारी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है जो हमारे इस पूरे ध्यान के लिए, पूरे आत्मविशुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो पूर्व दिशा की तरफ बैठे तो बहुत अच्छा होता है, या फिर उत्तर की तरफ मुंह करके भी बैठ सकते हैं। उत्तर की तरफ मुंह करने के पीछे भी हमारा एक कारण है, हम बैठे हैं यहाँ पर भरत क्षेत्र में, और कहते हैं कि विदेह क्षेत्र जो हमसे उत्तर की तरफ है, उस विदेह क्षेत्र में हमेशा कम से कम विद्यमान 20 तीर्थंकर तो होते ही हैं। जैसे हमारे अपने भरत क्षेत्र में, जो जम्बूद्वीप में जो हमारा भरत क्षेत्र है जहां पर हम लोग रहते हैं, वहां पर भी उत्तर दिशा में जो जम्बूद्वीप का विदेह क्षेत्र है, वहां पर भी सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, कम से कम ये चार तीर्थंकर तो विद्यमान ही हैं, और संधि काल में ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है
और उसी संधि काल में आप सामायिक करने बैठे उत्तर दिशा की तरफ, ओहो कितना आनंद आएगा आपको, ये फीलिंग होगी कि ओहो मैं खुद साक्षात दिव्य ध्वनि सुनते हुए आपने आत्मसात करा और जिनेंद्र भगवान की वाणी को शुद्धान करा। तो मानुभाव दो बातें ध्यान में रखनी है, या तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है या फिर उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है। आसन कौन सा होना चाहिए सामायिक करते समय? खड्गासन, खड़े होकर के सामायिक करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पद्मासन है ना, पालती पे पालती रख करके करते हैं पद्मासन, वैसे भी बैठ करके कर सकते हैं, या फिर सुखासन। सुखासन का मतलब आलती पालती लगा करके ही बैठना, बस यही आसन है, इसके अलावा कोई आसन नहीं है, है ना। कोई वज्रासन से सामायिक करने की बात सोचे तो नहीं, हमारे शास्त्रों में नहीं बताया है वज्रासन से सामायिक करने के लिए, है ना। और भी कोई कुर्सी आसन पे अर्थात कुर्सी पे बैठ करके सामायिक करें तो नहीं, मैं अपनी ओर से तो ये राजमार्ग नहीं दूंगा कि कुर्सी पर बैठ करके सामायिक करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी की बहुत स्थिति खराब है, बहुत बुजुर्ग है, है ना, माता बहन बहुत ऐसे हैं या कोई ऐसे वृद्ध हैं जो नहीं बैठ पा रहे, तो कदाचित वे उनके लिए छूट है, लेकिन जो बैठने समर्थ हैं वे हमेशा नीचे बैठ करके और या खड्गासन होकर के सामायिक कर सकते हैं। ध्यान रखें नीचे फर्श पर नहीं बैठना है, दाब की एक चटाई आती है जो सर्वोत्तम होती है सामायिक के लिए, है ना। दाब की चटाई आप बाजार में देखेंगे मिल जाएंगे बहुत सारी, उस चटाई का उपयोग करें, क्योंकि जो भी सामायिक करते समय मंत्र शक्ति से या जो भी उससे हमें ऊर्जा संग्रहित होती है वो उस चटाई की वजह से संग्रहित होती है, हमारे शरीर में ही रहती है। इसलिए हमेशा चटाई, जब भी जाप करें, माला करें, सामायिक करें, पूजा करें, तो हमेशा चटाई बिछा करके ही करना चाहिए। तो चटाई के लेकर के बैठे तो आपको दिशा निश्चित हो गया, आपका आसन निश्चित हो गया, और कपड़े निश्चित होने चाहिए कि कैसे कपड़े बिल्कुल शुद्ध वस्त्र हो, कोशिश करें, है ना। सुबह सुबह करेंगे तो बहुत शुद्ध वस्त्र पहन करके बैठेंगे, और यदि दो शाम को भी करते हैं तो शुद्धता का ध्यान रखें। जितनी शुद्धता वस्त्रों में होगी उतना ही आनंद आपको समय करने में लगेगा। सफेद कपड़े हों तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी लाइट कलर के कपड़े हो सकते हैं। समय करते समय पाटा छोटा सा लेकर के बैठे, एक चौकी लें, पाटा लें, कुछ भी लें, जिस पर आप कुछ जिनवाणी रख सकें, है ना, जिनवाणी विराजमान कर सकें, एक माला साथ में रखें, नहीं दिखता हो तो चश्मा साथ में रखें, क्योंकि सामायिक करते समय हमें उठना नहीं है, बार बार आवाज नहीं लगानी, करे बहू चश्मा ला के दे अब दिख नहीं रहा है, अरे वो जिनवाणी रहेगी, ऐसा सामायिक करते समय सब कुछ चीजें हमको एक साथ लेकर के फिर बैठना चाहिए। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली, दिशा निश्चित कर लिया, हमने आसन बना लिया, किस आसन पर बैठना है वो भी डिसाइड कर लिया, हमें कपड़े कैसे पहनने हैं वो भी कर लिया, और सब ये शुद्धता, देखो ये सब चीजें करेंगे फिर देखो कैसे आनंद नहीं आता है समय, है ना। वीर शास्त्र जी भी ले लिया हमने, माला चश्मा आदि सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया। अब हम सामायिक करने की विधि प्रारंभ करते हैं कि सामायिक कैसे करना चाहिए। अब यहां से देखते हैं सामायिक कैसे करें। सबसे पहले दिग्वंदन करना है, सामायिक करने से पहले सबसे पहले हमें दिग्वंदन, दिग्वंदन का मतलब है सभी दिशाओं से संबंधित वंदना करके बैठना है। सामायिक हमेशा दिग्वंदन करते हुए ही करना चाहिए, जिसमें तीन बातें विशेष रूप से आती हैं, एक तो प्रणाम, दूसरा आवर्त और तीसरा शिरोन्नति। ध्यान देना, एक तो है प्रणाम, दूसरा है आवर्त और तीसरी है शिरोन्नति। इस तरह से दिग्वंदन करना है, कैसे सब हमको समझ में नहीं आया तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, हम सामायिक करने के लिए तैयार हो चुके, अब पूर्व दिशा की तरफ हम खड़े हो गए, पूर्व दिशा की तरफ खड़े हो करके हम ऐसे हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ने का तरीका भी ऐसा है, हल्का सा चाहो तो ऐसा श्रीफल नुमा भी बना सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, और रखना है यहाँ पर श्रीवत्स जहां होता है ना, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे, ऐसे भी नहीं करना है, कई लोग ऐसे भी करते हैं, नहीं बिल्कुल यहाँ पर रखना है बिल्कुल ऐसे, और फिर अपने को बोलना है पूर्व दिशा संबंधी जितने भी अरिहंत परमेष्ठी हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबकी मैं मन वचन का इससे वंदना करता हूँ, है ना, ये वंदना करता हूँ, ये सबसे पहला प्रणाम है ना, वंदना करता हूँ, ये हमारा दिग्वंदन में प्रणाम हुआ। फिर उसके बाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इस सब बोलते हुए
हम अपने हाथों को ऐसे आवर्त करते, एक दो और तीन, है ना, इस तरह से आवर्त करते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा बोल करके अपने मस्तक को यहां पर लगाना, नमोस्तु, ये शिरोन्नति, मस्तक को यहां लगाना, इसको बोलते हैं शिरोन्नति। प्रणाम हुआ, आवर्त हुए और शिरोन्नति हुई, इस तरह से पूर्व दिशा विदिशा से संबंधित हो गया। फिर दक्षिण, है ना, ये खड़े हुए, फिर ऐसे, फिर पीछे, फिर उत्तर, ऐसे चारों दिशाओं से संबंधित हमको ये करना है, इसको बोलते हैं दिग्बंधन। समझ में आ गया, ऐसा दिग्बंधन करके हम सामायिक करते हैं। उसके बाद दिग्बंधन हो गया, चारों दिशाओं में हो गया, है ना, चारों दिशाओं विदिशाओं में हमने कर लिया, और फिर अंतिम में वापस सर्व दिशाओं संबंधित अपन ने कर लिया। फिर उसके बाद हम अब करेंगे सामायिक का संकल्प, ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज। देखना ऐसे विधि से करेंगे ना तो असीम पुण्य का बंध होता है। सबसे पहले दिग्बंधन किया, अगर क्वचित बहुत जल्दी में हो कदाचित, तो फिर एक एक दिशा में न कह करके एक ही दिशा में सर्व दिशा संबंधी, सर्व दिशा विदिशा संबंधी, जितने भी अरिहंत परमेष्ठी हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, ऐसा बोल भी सकते हैं, लेकिन ये कभी कदाचित, वैसे तो हमको पूरी तरह से बोलना चाहिए। अब ये दूसरा है संकल्प, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है संकल्प में। संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि एक पाषाण प्रतिमा बन जाती है संकल्प की वजह से। आपका मित्र आचार्य श्री के पास जाकर के दीक्षित हो जाए तो वो महाव्रती बन जाता है, इतना ताकत होती है संकल्प में। जब दीक्षा देते ना, आपने देखा होगा, लौंग रखते हैं यहाँ पर, लौंग रखते रखते हैं, संकल्प करते हैं, महाव्रतों का संकल्प हो तो मैं महाव्रत धारण करवाए जाते हैं, तो ये सब संकल्प होता है। तो इस संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वो जो आपका मित्र, कल परसों आपका मित्र तो आपसे हाथ मिलाता था, आप दीक्षा देने के बाद, दीक्षा लेने के बाद हम उनके चरणों में वंदना कर रहे हैं। क्यों भाई, व्यक्ति वही, शरीर वही, अंतर क्या हो गया, संकल्प का, वही पत्थर, वही पत्थर मंदिर में, अंतर क्या हुआ, सूर्य मंत्र से इसमें संकल्पित कर दिया, प्राण फूंक दिए गए, बस वही संकल्प शक्ति हमको सामायिक में भी लेनी चाहिए। कैसे लेते हैं संकल्प, ध्यान से देखना, मैं देवशास्त्र गुरु की साक्षी में शरीर पर स्थित वस्त्र एवं आभूषण के अतिरिक्त समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करता हूं, सभी प्रकार के पाप कषायों को छोड़ता हूं। ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं हम उस समय, सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह का, हमने जो पहन रखा उसके अलावा सबका त्याग कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, और कितना अच्छा काम है ये, है ना, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करता हूं, सभी प्रकार के पाप कषायों को छोड़ता हूं, इंटेंशनली बोल करके हम छोड़ रहे हैं। और जितनी देर तक हम सामायिक धारण करते हैं वो टाइम भी बोल दीजिएगा, मैं 20 मिनट की सामायिक, मैं 25 मिनट की सामायिक, मैं आधे घंटे सामायिक करने का संकल्प लेता हूं, ऐसा बोल करके फिर नमोकार, 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। ठीक हो गया, सामायिक कैसे करना है, सबसे पहले दिग्बंधन, दिग्बंधन के बाद दूसरा है संकल्प, नीचे बैठ करके हमने अच्छे से संकल्प कर दिया कि साहब मैं देवशास्त्र गुरु की साक्षी में ये सब प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग, जो ये आपके सामने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम जब बुद्धि पूर्वक इन सब को छोड़ देते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं, अब इस दौरान कोई घंटी बजे तो घंटी मेरी नहीं है, दरवाजे पर कोई आया है तो मुझे मतलब नहीं है, अचानक कोई अतिथि आ गए, ब्याई जी आ गए तो भी उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सब त्याग करके बैठा हुआ हूं। ये भाव हमारा उस समय होना चाहिए, और उतनी देर तक हमें सामायिक का फल फिर मिलता है ऐसे सामायिक होने से। फिर उसके बाद खूब अत्यंत प्रसन्न मुद्रा के साथ फिर हमें अपनी सामायिक प्रारंभ करनी चाहिए। अब सामायिक में ये तो हो गया सबसे पहले दिग्बंधन, फिर दूसरा हो गया संकल्प, दो बातें हुई, अब तीसरा अब सामायिक कैसे करें, तो उसके लिए कुछ बिंदु है, मैं आपके सामने नमोकार मंत्र की श्वासोच्छ्वास से जाप, आत्मा के स्वरूप का चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन, लोक कल्याण की भावना, आचार्य अमित गति द्वारा लिखित सामायिक पाठ, आलोचना पाठ और प्रतिक्रमण, और शिखर जी कृत्रिमा कृत्रिम चित्यालयों की वंदना, ये सब सामायिक में किया जाता है। आइए एक एक बिंदु पर थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले नमकार मंत्र की श्वासोच्छ्वास से जाप, अर्थात ये सामायिक का सबसे उत्तम साधन होता है। आप सबको पता होगा नमोकार मंत्र श्वासोच्छ्वास से कैसे करते हैं, है ना, जैसे
श्वास लिया तो नमो अरिहंताणम का चिंतन, श्वास छोड़ा तो नमो सिद्धाणम, श्वास लिया तो नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ा तो नमो वज्जायणम, श्वास लिया तो नमो लोए और श्वास छोड़ा तो सव्वसाहुणम। इस तरह से एक नमोकार मंत्र जो है वो तीन श्वासोच्छ्वास में पूरा होता है। जब भी हम सामायिक करने बैठे हैं तो सबसे पहले या तो 9 बार नमोकार मंत्र या 27 बार नमोकार मंत्र, 81 अथवा 108 बार सामायिक के समय ये श्वासोच्छ्वास वाला नमोकार मंत्र जरूर करना चाहिए। देखिए, या तो आचार्यों की बात मान लें या फिर बाबा रामदेव जी कहते हैं कि श्वासोच्छ्वास करो, प्राणायाम करो, है ना, उनकी बात मान ले, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो हम क्यों ना शास्त्रों की बात मान करके, है ना, अपने श्वासोच्छ्वास पर नमोकार मंत्र का चिंतन करके करें तो ये ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होगा। और ये इतना अच्छा अभ्यास है, इतना अच्छा अभ्यास है कि यदि हम इसको करते करते लगभग 15-20 दिन, है ना, 20-21 दिन अगर हमारे हो जाते हैं तो स्वतः ही आप खाली भी बैठे हैं तो आपके श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र अपने आप चलने लगता है। कभी भी कुछ भी बैठे हो शांति से तो अपने आप नमोकार मंत्र की स्थितियां बैठने लग जाती, क्योंकि आपका अभ्यास इतना अच्छा हो जाता है। और श्वास श्वास में नमोकार मंत्र हो, इससे अच्छी बात और हो भी क्या सकती है। दूसरा है आत्मस्वरूप का चिंतन हमको सामायिक में जरूर करना चाहिए। आत्मस्वरूप का चिंतन का मतलब क्या है ना, मेरा अपना स्वरूप। इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर भजन होते हैं, उन भजनों को भी सुन सकते हैं, है ना। जैसे मेरे को एक बहुत अच्छा भजन लगता है, जिसको तू खोज रहा बंदे वह मालिक तेरे अंदर है, बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। ऐसे बहुत सुंदर आध्यात्मिक भजन है, है ना, उन आध्यात्मिक भजनों को गा सकते हैं इस आत्मस्वरूप के चिंतन के समय। या फिर आप लाल जिनवाणी में देखेंगे एक आत्म कीर्तन करके एक छोटी सी स्तुति है जो हम भी रोज पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। कौन सा, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम, मैं वह हूँ जो हे भगवान, जो मैं हूँ वह हे भगवान। आत्मस्वरूप का चिंतन करने के तरीके बता रहा हूँ, है ना, कि कैसे कैसे हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। या तो कोई बहुत सुंदर भजन हो तो आप कर सकते हैं, या ये स्तुति है आत्म कीर्तन करके, लाल जिनवाणी में मिल जाएगी आपको, ढूंढेंगे तो ये भी कर सकते हैं। एक वीतराग स्तोत्र है, इसको भी पढ़ सकते हैं। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधुर न कर्ता न कर्म, न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। बहुत सुंदर है, आध्यात्मिक परक या स्तुति है, इसको भी हम आत्मचिंतन के समय सामायिक में प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर भजन है, गुजराती का है, हूँ छु आत्मा परमात्मा, हूँ छु आनंदनु आनंदनु धाम परमात्मा। और भी बहुत सुंदर सुंदर भजन है, है ना, विशेष करके अपन ये सब चीजें यहाँ पर टोडल स्मारक से प्रचालित होती है, बहुत सुंदर सुंदर भजन है, वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक भजन है, इसको हम जरूर आत्मचिंतन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आचार्य कुंद कुंद भगवान अध्यात्म जगत के सर्वोत्कृष्ट सितारे थे, उनकी गाथाओं को लीजिएगा साहब आत्मचिंतन करते समय, ये भी अच्छा है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नाणमयो सदारुवी, नवि अच्छि मज्ज किंचवि अन्नम परमाणुमेतम्पि। बोलिए ना, कितना आनंद आएगा। हम अपने आप के स्वरूप को पहचाने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, बोलिए, रोज बोलिएगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, तो निश्चित एक न एक दिन ये संस्कार इतने मजबूत होंगे कि हमें वास्तविक रूप से भगवान आत्मा बना देंगे। और भी बहुत सारी गाथाएं हैं जिसको आप यहां से भी ले सकते हैं, या फिर आचार्य विद्यासागर जी के द्वारा एक संकलित है, कुंद कुंद का कुंदन,
उसमें से लगभग 134 गाथाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर आचार्य कुंदकुंद भगवान की, उनको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं और बोल सकते हैं। तो इस तरह से आत्मचिंतन करें, 5 मिनट 10 मिनट उस समय हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। उसके अलावा सामयिक में हम क्या कर सकते हैं, है ना, सामयिक में अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, नमोकार मंत्र की जाप करनी है, आत्मचिंतन करना है, तीसरा 12 भावना बोले, प्रत्येक श्रावक को रोज कम से कम 12 भावना बोली है। कौन सी आपके पास है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवा, ये भी है आपके पास, या फिर आप कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए चक्री जिन जीता कहां गए वा राम राजरु लक्ष्मी, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, इस तरह की बहुत सुंदर भक्ति है, अच्छी लगती है, हम भी पढ़े, रोज पढ़े, आप भी सब भी, इससे भी थोड़ा सा बार बार जो अटैचमेंट होता है हमारा परिवार के प्रति, राग द्वेष जो है वो कम होता है। एक केवल रवि किरणों की पूजा होती है, उसके जयमाला में भी 12 भावना आती है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। छड़ाला की 12 भावना होती है, इसका भी चिंतन, ये अलग अलग इसलिए बता रहा हूं कि रोज सामयिक करनी है तो रोज कुछ नया मैटर मिले तो बहुत अच्छा रहे, मन भी लगता रहे, तो इसलिए एक कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की 12 भावना, एक बारसानुपेक्षा करके, इस तरह से बहुत सारे हैं, इनमें से कोई भी 12 भावना जिसमें हमारा मन लगे उसका चिंतन करना चाहिए। लोक कल्याण की भावना, बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लोक कल्याण की भावना है ना, लोक कल्याण की भावना भी हमको सामयिक के समय जरूर करना चाहिए, लोक कल्याण की भावना, हाँ जी लोक कल्याण, न केवल आत्मचिंतन, न केवल 12 भावनाओं का चिंतन, बल्कि लोक कल्याण की भावना भी जरूर करनी चाहिए। महानुभाव ये बहुत जबरदस्त चीज है लोक कल्याण की भावना, इसलिए कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनती है ये भावना, हम पूरे जगत के कल्याण की भावना करें हमेशा, रोज करें तो इससे भी बहुत अच्छा होता है। कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक लाल जिनवाणी में आती है ना भावना करके, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो, इस तरह से वहां पर बहुत सुंदर है यार, ये पंक्ति भी बहुत अच्छी है। एक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की भी है, वो मैं आगे बताऊंगा। एक मेरी भावना है, मेरी भावना आप सबको पता है, बच्चों को पता है, आप शिविर में पढ़ रहे हैं, आपको भी यहाँ पढ़ाई जा रही होगी, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, ये भी बहुत सुंदर मेरी भावना है, बहुत अच्छे विद्वान के द्वारा लिखी गई है, इसको भी हम लोक कल्याण की भावना से पढ़ सकते हैं। एक मंगल भावना है, मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने लिखी है, उसको भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। मंगल मंगल होए जगत में सब जन मंगल हो, है ना, पूरे जग में पूरे संसार में मंगल हो, सबका कल्याण हो, ओ हो। देखिए ना, एक हल्के से आपने सुना होगा वो कहानी कि स्वयंभू रमण समुद्र का एक मत्स्य है ना, महामत्स्य होता है, और उसके कान में रहने वाला एक तंडुल मत्स्य, वो ये सोचता है कि साहब ये इतना बड़ा मछली, इसके मुंह ऐसा खुला हुआ और उसमें कितनी हजारों मछलियां आ रही हैं, ये इसको खा ही नहीं रहा है, क्या तरीके, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो सब मछलियां जितनी आ रही ना सबको खा जाती। महानुभाव शास्त्रों में साफ लिखा है, ऐसे मात्र परिणाम करने से 7वें नरक का आयु का बंध वो तंडुल मत्स्य करती है। तंडुल मने बिल्कुल छोटी सी मत्स्य, साथ केवल ये भावना करने से क्यों हो, काश अगर इस मछली की जगह मैं होती ना तो पूरी मछलियां मैं खा जाती, खाई नहीं कुछ भी, ना स्पर्श किया ना कुछ नहीं, लेकिन मात्र भावना करने से स्थिति बन गई। तो क्यों ना, जब ऐसा बुरा सोचने से इतना बड़ा बुरा हो सकता है तो अच्छा सोचने से बहुत बड़ा अच्छा क्यों नहीं हो सकता है। तो लोक कल्याण की भावना भी हमको सामयिक के समय करते करना है, तो ये 5 मिनट हमको लोक कल्याण के लिए कोई भी एक स्थिति रखें और उसको करना है, या फिर एक कुछ भी नहीं तो एक बहुत सुंदर सा श्लोक है संस्कृत में, इसको ही बोल सकते हैं हम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सब लोग अच्छा देखें और किसी को भी किसी तरह का दुख न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें जो भी आपको ठीक लगे वो आप इसमें से चयन कर सकते हैं।
उसके अलावा समय और है तो आचार्य अमित गति का सामायिक पाठ है, संस्कृत में पढ़ना चाहें, सत्वे सुमित्रिम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये भी पढ़ सकते हैं, या फिर प्रेम भाव हो सब जीवों में से गुणी जनों में हर्ष प्रभु, इत्यादि भी हम पढ़ सकते हैं। आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण भी हम सामायिक में कर सकते हैं, है ना, सुनिए जिन अर्ज हमारी आदि, और प्रतिक्रमण पाठ जो लाल जिनवाणी में मिलता है उसको भी हम इस समय कर सकते हैं। ये सुनिए जिन अर्ज हमारी, एक और है क्षुलक धैर्य सागर जी महाराज के द्वारा एक सुंदर सी प्रार्थना करके पुस्तक छपी, उसमें भी एक सुंदर सा प्रतिक्रमण दिया हुआ है जो हम सबको करना चाहिए, तो ये भी एक बहुत सुंदर है जो हम कर सकते हैं। और एक अमनाय पाठ भी कर सकते हैं महानुभाव, सामायिक के दौरान अमनाय पाठ का मतलब होता है कि जो शास्त्र हमने पढ़े हैं उसका रिविजन, फॉर एग्जाम्पल हमने छड़ाला पढ़ ली तो हमने छड़ाला का पहली ढाल का चिंतन भी कर सकते हैं या पाठ भी कर सकते हैं, है ना, सुनिए जिन जैसे दीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी के, पढ़िएगा आराम से, स्टॉप देश पढ़ा हुआ है उसका मनन कीजिएगा, अभी आपको शिविर में बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं भैया जी लोग, उसका कोई अच्छा पाठ है तो उसको भी कर सकते हैं। जिस ग्रंथ का स्वाध्याय किया हो उसका पाठ अमनाय पाठ में किया जा सकता है, या फिर पांच स्तोत्र हैं हमारे जैन धर्म के बहुत बड़े बड़े, भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, विशापहार स्तोत्र और जिन चतुर्विंशति स्तोत्र, इन पांचों स्तोत्र में कोई भी एक स्तोत्र भी हम इस अमनाय पाठ के अंदर, कुछ नहीं तो भक्तामर जी करिएगा, हम अपने बच्चों के साथ भक्तामर स्तोत्र जी करते हैं अभी, है ना, फिर धीरे धीरे आगे कल्याण मंदिर स्तर चालू करेंगे, तो जो भी आपको ठीक लगता है वो भी आप सामायिक के समय ले सकते हैं। और एक और है सामायिक, अंतिम बात बता रहा हूं, भाव वंदना, भाव वंदना भी हम सामायिक के अंदर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे बैठे समेत शिखर जी की वंदना, एक एक टोंक की वंदना, यहाँ बैठे हुए हैं आप, चले हम अब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ वंदना की, फिर यहाँ गए, यहाँ वंदना की, इस तरह से हम समेत शिखर जी की वंदना भी ध्यान के निमित्त से भाव वंदना कर सकते हैं। तीन लोक में अकृत्रिम चैत्यालय जो है उनकी भी वंदना हम सामायिक के दौरान जरूर करें और प्रतिदिन करें और बोल बोल के करें, अधोलोक संबंधी 7,72,00,000, मध्य लोक संबंधी 458 और ऊर्ध्व लोक संबंधी 84,97,023, इस तरह से तीन लोक में विद्यमान 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालयों की मैं यहाँ भावपूर्वक वंदना करता हूँ सामायिक में। ऐसे यहाँ बैठे बैठे हमने तीन लोक की वंदना, तीन लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, इसके अलावा भी असंख्यात है अकृत्रिम चैत्यालय, उन सबकी वंदना भी हमने यहाँ पर की। या फिर हमें अपना कोई प्रिय क्षेत्र हो, मान लीजिए मुझे कुंडलपुर जी बहुत अच्छा लगता है तो कुंडलपुर जी के बड़े बाबा की वंदना कर ली, मुझे जहाजपुर की प्रतिमा बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ बैठे बैठे जहाजपुर की प्रतिमा की वंदना कर ली, तो ऐसा 2-5 उसकी भी वंदना कर सकते हैं। महानुभाव सामायिक तो हम हमेशा करते आए हैं, है ना, लेकिन इस तरह की विधि यदि हम नहीं करेंगे तो फिर उतना आनंद या उतना पुण्य का अर्जन हम नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है हम सब सामायिक करने की आदत डालें, हम जरूर करें, सुबह से शाम तक रात तक कोई भी एक समय अपना फिक्स करें कि साहब शाम की 8 बज गए अब पूरा परिवार एक साथ बैठ करके सामायिक करेगा, सुबह 7 बजे सब लोगों को उठना है, सब एक साथ सामायिक करेंगे, अरे रोज नहीं तो कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को तो जरूर सामायिक करना ही चाहिए, नियम है और संकल्प है। यही सामायिक जो है वो आगे जा करके हमको व्रती बनने की, महाव्रती बनने की प्रेरणा देता है, यहां तक कि भगवान बनने की प्रेरणा भी हमें इसी से प्राप्त होती है। अंत में पुनः दिग्वंदना करके सामायिक को पूरा करते हैं। ये एक संक्षिप्त रूप से आप सबके सामने सामायिक की विधि मैंने प्रस्तुत की है। यदि इससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं भी आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करूंगा। बोलिए द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय। कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। राकेश जी स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। जी, कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। राकेश जी साहब वीडियो बंद हो गया आपका। अच्छा 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 अच्छा
हाँ जी, दो तीन हैंड रेस हुए हैं, मैं यहाँ से ले लूँ यहाँ से। हाँ हाँ लीजिए प्लीज। विनोद कुमार जी एंड सीए प्रियंका जी, दो लोगों के हैंड रेस हुए हैं। मैंने अनम्यूट कर लिया, विनोद जी साहब और प्रियंका जी। जी ओके करिए। हाँ प्रियंका जी पूछिए। एक रतनलाल जी गंगवाल साहब भी आए। हाँ। जी जय जिनेंद्र भैया। हम भैया ही जय जिनेंद्र। मैं तो बोल रही थी कि अगर जैसे जैसे सूतक लग जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो हम जिनवाने के हाथ नहीं लगा सकते, तो हम मोबाइल से कर सकते हैं क्या? मोबाइल से जैसे मेरी भावना बारह भावना देख के। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, जिनवाने को हाथ नहीं लगाना है, पर मोबाइल से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनने का है, सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयतनों को हाथ नहीं लगाना है, है ना, ध्यान रखें, आयतनों को स्पर्श नहीं करना है। जिनवाणी हुआ, मंदिर के किसी आयतनों को यहाँ स्पर्श नहीं करना होता सूतक आदि के समय, लेकिन हमें याद है तो बोल सकते हैं, और अगर मोबाइल आदि में है तो उसका उपयोग कर सकते, क्योंकि मोबाइल में तो बहुत सारे, जैसे टीवी में भी आजकल हम पारस चैनल वगैरह में देखते हैं, तो इसका उपयोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो मतलब जैसे सूतक नहीं हो तब भी कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर देखिए सूतक नहीं हो तब तो हमारा ये सौभाग्य होता है कि हम जिनवाणी को स्पर्श कर सकते हैं, है ना, तब तो ये कोशिश करें कि हम जिनवाणी को देख करके बोले, जिनवाणी को ध्यान में रख करके करें तो अच्छा रहेगा, मेरा तो यही कहना है, है ना। और हाँ, अशुद्धि का ध्यान रखें, है ना, जब अशुद्धि का समय होता है उस समय तो मोबाइल आदि के माध्यम से भी नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कहते हैं मुनिराज वगैरह, ये ध्यान रखें। ठीक है जी, जय जिनेंद्र साहब। इसके बाद भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी, ये सामायिक में हम नमोकार मंत्र का जाप भी कर सकते हैं क्या? जी साहब बिल्कुल, नमोकार मंत्र का जाप, देखिए हमने तीन प्रकार का नमोकार मंत्र का जाप होता है, एक तो बोल करके नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, एक हल्के से होठ हिला करके, और एक जो मैंने आपको बताई तीसरी विधि, ये सर्वोत्तम विधि है नमोकार मंत्र की, जाप की, तो ये करें, नहीं तो कम से कम होठ हिलाने वाला जो है वो नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सामायिक के समय नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है विनोद जी। हाँ जी, और कोई साहब? हाँ जी, निर्मला जी। जी एक मिनट, भक्तचंद जी साहब आप ले रहे, मैं लूं? आपकी आवाज म्यूट है, मैं लेता हूँ यहाँ से, मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ से। आईपी जैन साहब। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि पूजा पाठ में और सामायिक में क्या फर्क है? जी, क्योंकि आपने कहा केवल रवि किरणों भी गा सकते हैं, केवल रवि किरणों तो देवभूषण की पूजा है, तो पूजा जी, जी। में और सामायिक में क्या फर्क है? नहीं देखिए, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने केवल रवि किरणों पूजा करनी चाहिए नहीं बोला, मैंने ये कहा कि उसकी जयमाला में जो 12 भावनाओं का चिंतन है, वो चिंतन आप यहाँ, 12 भावना है, आपको ध्यान है ना, केवल रवि किरणों में 12 भावनाओं का वर्णन है, तो वो 12 भावना जो है वो वैराग्य वर्धक होती है, तो वो वैराग्य वर्धक होने से सामायिक में उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए पूजा में जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद किया जाता है, है ना, विशेष रूप से जिनेंद्र भगवान का हम गुणानुवाद करते हैं कि हे भगवान आप ऐसे हैं, आपका स्वरूप ऐसा है, मैं आपके स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आया हूं, ये सब पूजा है, उनका गुणानुवाद है, पूजा अर्थात गुणानुवाद। और सामायिक में आत्मचिंतन अथवा वैराग्य की बात कही जाती है, चूंकि केवल रवि किरणों की पूजा की जयमाला में ये बात है, इसलिए मैंने ये रेफरेंस दिया है कि अगर वो वहां से लेकर के यहाँ पर भी बोलेंगे ना तो वो अपन बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर उपयोग कर सकते, ये कहा मैंने। नहीं बाकी हाँ, प्रश्न और है मेरा। जी बताइए। ये विद्यासागर जी का एक मंत्र है, ओम जी सर, हरिम हरम नमो सर्व सिद्धार्थ दानम मनवांचित सिद्धिदायकम भवतु, ये मंत्र भी पढ़ सकते हैं क्या? हाँ इसकी जाप कर सकते हैं, बिल्कुल जाप कर सकते, उसकी जाप करने के लिए अभी दिया है गुरुजी ने। विद्यासागर जी ने कहा था कि इनके 11 माला फिर वो, बिल्कुल बहुत सही है, तो ये मंत्र भी अभी सब जगह चल रहा है, बहुत अच्छा है, और सब लोग इसका अर्थ हूँ, ओम ह्रीम अरम नमो सव्य सिद्धायक दानम मनवांचित सिद्धिदायकम भवतु। जी बिल्कुल, विद्यासागर ने अभी कहा है कि इसको आप 11 माला पढ़े कम से कम,
सबको करना ही चाहिए, बिल्कुल हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा मंत्र है और करना भी चाहिए, और ये सामायिक के समय भी इसका उपयोग कर सकते। मेरा कहना है कि 11 मालों में 1 घंटे ज्यादा लगता है, सामायिक में सारा काम इसका हो जाएगा। नहीं देखिए ना, आप अगर सामायिक कर रहे हैं ना, तो सामायिक में मुख्य रूप से आत्मचिंतन आदि रहता है मुख्य रूप से, है ना। अगर आत्मचिंतन उतना समय नहीं निकाल सकते तो जाप आदि के लिए कहा जाता है, लेकिन ये 11 घंटे का, 11 मालाओं का बहुत बड़ा संकल्प है जिसमें 1 घंटा तो आपका इसी में निकल जाता है। तो अगर आप सामायिक 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे की करते हैं तो इसमें समाहित कर ले, परंतु 1 घंटा तो इसमें लग जाएगा, फिर सामायिक में करना तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा सब, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। 11 मालों रोज करता हूं। पर मैं आपसे ये निवेदन जरूर करता हूँ कि फिर भी अगर आप ऐसा करें, दिग्वंदना करके संकल्प ले करके, है ना, दिग्वंदना मैंने आपको कही थी, जैसे दिग्वंदना करी फिर संकल्प ले करके हम बैठे हैं, और फिर एक कम से कम, है ना, मेरी भावना या फिर एक छोटी सी हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम की स्तुति पढ़ करके, और फिर अपने ये चालू कर दें जाप, तो ये पूरी सामायिक के अंतर्गत आ जाएगी। और आपने जो कहा वो करेंगे, पर ये खाली 1 माला भरेंगे, ठीक है बाकी सब आपने जो काम करेंगे हम। बहुत अच्छा रहेगा। राकेश जी साहब, मेरे सामने काफी मतलब क्वेरीज हैं, और मेरी जो घड़ी है इसकी, और जो कल्चर एक्टिविटी वाले मेरे बच्चे हैं ना, वो इस पे स्क्रीन पे मैसेज भी डालते हैं, मुझे भी डाल लें। मैं एक तो आप सबको बता दूं कि राकेश जी, डॉक्टर राकेश जी हम सबके बीच में से हैं और डेली स्वाध्याय करवाते ही हैं, वीकली भी चलता है आपका। मैं आपका नंबर भी दे दूंगा, ग्रुप में भी कर दूंगा, और आप स्क्रीन पे भी प्रश्न डाल सकते हैं। इसके अलावा जो अपना हमारा छड़ाला तत्वार्थ, कोई सा भी आप ग्रुप में प्रश्न डाल दें तो समाधान मिल जाएगा। वैसे मेरा जहां तक मानना है कि इतने व्यवस्थित तरीके से विषय का प्रतिपादन हुआ कि अगर आप यूट्यूब का लिंक द्वारा सुनेंगे तो मैक्सिमम शंकाओं का समाधान होगा। राकेश जी साहब ने मुझे 1 घंटे का जो टाइम दिया हम सबको, तो 2 मिनट का टाइम मैं और लूंगा, फिर कल्चर एक्टिविटी होंगी, 2-3 मिनट लूंगा मैं। बच्चे आकुलता नहीं करें, मैसेज नहीं डालें, मैं क्षमा चाहूं जिनके हाथ खड़े हुए हैं, शंकाएं समाधान पक्का होंगी, आप निश्चिंत रहें। हम नेक्स्ट तो संडे की बात नहीं करते हैं, इसके बाद कभी हमारा समागम होगा तो 1 महीने के अंदर द्वारा आपको इन्वाइट कर जाएंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है साहब, राकेश जी मेरे अजीज मित्र हैं, ये बात मैं सबसे पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग मैं 20 साल के बाद राकेश जी से 1-to-1 हो पा रहा हूँ, तो मेरे को अंतरंग में जो प्रसन्नता हुई, मेरे को व्हाट्सएप से, फेसबुक से सब पता चलता है, लेकिन जो प्रतिभा, ये जो कहा जाता ना कि सेकंड काशी है जयपुर, आप देख रहे हैं युवा विद्वानों को, इतने प्रतिभाशाली विद्वान, अनुभवी विद्वान, भाषा में जो पारंगत हैं, मुझे लगता है कि सैकड़ों विद्वानों में आप जैसे 1-2 विद्वान ही होंगे। सुन करके हम सबको इतना आनंदित हुआ, हमें राकेश जी आज ऐसा महसूस हो रहा है कि शिविर की सार्थकता आज हुई है। हम शिविर तो लगा रहे, प्रवचन तो सुन रहे थे, लेकिन वास्तव में करना क्या चाहिए, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो मैं घर पे आधा घंटा प्रैक्टिकल करवाता हूँ, और मैं सबसे कह रहा हूँ आज जितने लोग जुड़े हैं, सब अपने घर पे, छोटे बच्चे, सब बड़े बच्चे, सारा परिवार बैठ करके पाठ करें, सामायिक करें, आदत डालें, ये कोरोना का सबसे बड़ा आपको बेनिफिट है। राकेश जी का जन्म हमारे बांसवाड़ा का जो लोहारिया गाँव है वहां पर आपका जन्म हुआ, और श्रीमान पिताजी लक्ष्मीपाल जी हैं, माता जी गुणमाला देवी जी, जो कि आरिका दीक्षा लेकर समाधि मरण हो गया। सोच सकते हो कि ऐसे परिवार से, तो हमें तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और प्रारंभिक शिक्षा आपकी गनौड़ा में ही हुई है, इसके बाद हमारे दिगंबर कॉलेज से आपने शास्त्री की 97 में, राकेश जी अपन ने शास्त्री पास कर ली है। पीयूष जी का कल प्रवचन सुना था, वो भी हमारे बैच के हैं, विराग जी हमारे बैच के हैं, तो उस बैच के हम सब दिगंबर कॉलेज के
सारे प्रतिभाशाली छात्र उस टाइम से निकल गए। इसके बाद आपने प्राकृताचारी, साहित्याचारी और 5 बार नेट की परीक्षा यूजीसी की उत्तीर्ण की, 2 बार पीएचडी की है, 2 times 2 बार पीएचडी की, एक राजस्थान विश्वविद्यालय, दूसरी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से। दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में सांगानेर में आप कार्य व्याख्याता के पद पर थे और वर्तमान में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मुंबई परिसर में भी रहे, और इसके अलावा अभी वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विद्या विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में आप व्याख्याता प्रोफेसर के पद पे हैं। 5 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, लगभग 30 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं, 7 वर्ष विदेश यात्राएं की दशलक्षण परीक्षण में आप प्रभावना के लिए जाते हैं, और जैन दर्शन कोविद सुमेधा संस्कृत स्टडीज एवं संस्कृत सुमेधा 3 यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्म प्रभावना एवं संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन करा रहे। ये बात मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि कोई साधर्मी अगर भाषा सीखना चाहता है तो मैं नंबर दूं, राकेश जी से कॉन्टेक्ट करें, वो पूर्ण निस्वार्थ भाव से पठन पाठन का काम कराते हैं। और एक अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद के आप सदस्य हैं, श्री महावीर दिगंबर जैन पाठशाला इत्यादि में आप स्वाध्याय कराते। मुझे एक जरूरी बात जो बोलनी है, मैं ये बात दरवाली लाल जी कोठिया, कैलाश चंद जी पंडित जी साहब या हम महान विद्वानों की जब श्रृंखला करते हैं तो हम उंगलियों पर नाम लेते हैं, और वर्तमान में हमें संस्कृत के विद्वान ही नहीं मिलते हैं। व्याख्याता तो मिल जाएंगे, प्रवचनकार तो मिल जाते हैं, लेकिन मूल पाठ पढ़ाने वाले राकेश जी उनमें से गिने चुने विद्वानों में से एक हैं जो संस्कृत व्याकरण के विशेषज्ञ हैं। हमें इसमें दोहराए नहीं है, हमारे गुरु जो सतीश कपूर जी साहब रहे उनका कृपा रही है, और उन सबके कारण से राकेश जी ने थोड़ा सा ग्रहण ज्यादा किया और उसका प्रतिफल नजर आ रहा है। हमारे संस्कृत में साहब पाणिनि पतंजलि की जो श्रृंखला चल रही है, तो ऐसे युवा विद्वानों में ये जो संस्कृत की श्रृंखला और ज्ञान की गंगा बहाने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है, राकेश जी भाभी जी को एक बार लाओ, क्योंकि सारा उपकार उनका है। क्यों पूरी जो पीपीटी चला रहे हैं, मेरे घर पे भी वही चलता है, घर वालों का सहयोग इतना बड़ा है कि उनका पूरा पूरा उपकार है, तो मैं पूरे परिवार को भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। एक मुझे महत्वपूर्ण बात लगी कि जो भगवती आराधना मरण कंटिका इत्यादि जो ग्रंथों में विवेचन किया गया समाधि मरण इत्यादि का, तो आपने वो पूरी प्रिपरेशन बता दी है। सामायिक मतलब आप छोटे उसमें मत लीजिएगा, जो अभी घबरा रहे हैं कोरोना आएगा मर जाएंगे क्या होगा, आप प्रैक्टिस में डालेंगे तो 24 डेज बोला आपने, 21 दिन, तो महीने भर के अंदर जीवन में चेंज आएगा। अपने समाधि मरण की तैयारी का प्रोसेस 100% वाला अभी से अपन चालू करें, जो राकेश जी ने बताया आज का प्रवचन। मैं समझता हूँ, मेरे लिए मैं अंतर्मन से बोल रहा हूँ, अंतर्मन से मेरे को टाइम घड़ी दिख रही है, वरना मैं 2-5 मिनट और बोलूं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जीवन में करने योग्य काम है तो ये है हम सबके लिए, और सभी लोग इसको फॉलो करेंगे। मैं राकेश जी का आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मणि जी साहब को। मणि जी साहब जो हमारे दिगंबर जैन महासमिति के उपाध्यक्ष हैं अंचल के, डॉक्टर मणि जी साहब आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। सुनील जी बस साहब मैंने अनम्यूट कर दिया है, सुनील जी बस साहब बातचीत जी चलेगा, कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चों आपने बोल दिया, 2 शब्द काफी है। नहीं नहीं, हमारे अशोक जी लोहारिया साहब, मैं माइक खोल दिया, अशोक जी लोहारिया साहब जैन उद्यालय के हमारे मंत्री महोदय और हमारे इस कार्यक्रम के सर महासमिति का भी मंत्री हूँ। हम महासमिति के मंत्री हैं साहब, जी सर, टेम्पलेट में छपा है साहब जी, आभार व्यक्त करने का कष्ट करें।
मैं राकेश जी भाई साहब ने जो बातें मुझे समझाई, मुझे उससे बहुत प्रभावना मिली है, और ऐसा लगता है कि जो मैं अभी सामायिक जो कर रहा हूँ उसमें मुझे आज के प्रवचन के बाद और भी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मैं राकेश जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ महासमिति की ओर से, और ऐसा ऐसी कामना करता हूँ कि इस तरह के ज्ञान हमको आगे भी देते रहे। जय महावीर। कल का व्याख्यान एक बात और पूछना चाह रहा था मैं डॉक्टर साहब से। जी सर। डॉक्टर साहब का जन्म कौन से ग्राम में हुआ? लोहारिया बांसवाड़ा। सर मैं भी वहीं से वहीं का हूँ। कहाँ के? मैं भी लोहारिया से ही हूँ, अशोक लोहारिया नाम है मेरा। हमारे अच्छा। पूर्वज हमारे पूर्वज हाँ। वहीं से खंडेला है। जी हो सकते हैं। बिल्कुल मैं गया हूँ, ऐसे दो तीन बार जाया है लोहारिया। अच्छा। जय जिनेंद्र। कल का विशेष व्याख्यान इंजीनियर जेपी दोषी जी मुंबई, जो कि इंजीनियर से रिटायर्ड होकर के बड़े लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं, तो उनका व्याख्यान रखा गया है, और षट खंडागम का कल परिचय कराएंगे। तो कल का व्याख्यान जेपी दोषी मुंबई वालों का होगा विशेष। बच्चे बड़े आतुर हैं, और मैंने आज काफी समय ले लिया है, लेकिन मुझे बहुत आवश्यक लगा। राकेश जी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। महासमिति की ओर से, जैन पाठशाला की ओर से, समस्त श्रोताओं की ओर से आपका आभार, और हमें विश्वास है कि जब भी हम आपको आमंत्रित करें तो हमें अपना बहुमूल्य समय अवश्य दें। जिनवाणी स्तुति। सिद्धार्थम जी साहब से निवेदन है, जिनवाणी स्तुति करवाना कष्ट करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। चाहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाण।